Welcome you all on Mahari Devi Dapadiya Girls College YouTube channel. Today in this video lecture, we are going to continue our drawing Alexander's piece of The Power of Music, which is written by the famous poet John Dryden. So this is our 7th part of this particular poem. इससे पहले मैंने आपको इसके 6 पार्ट कवर करवा दिए, जिसमें मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन और इसके साथ इसकी जो 5 स्टेंजास हैं वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। होप आपको वो स्टेंजास अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। अलेक्जेंडर्स फीस्ट क्या है ये भी मैंने आपको इंट्रो में बहुत अच्छे से समझा दिया है। किस तरह से टिमेंथियस जो बार्ड है अलेक्जेंडर का, उसकी म्यूजिक का जो इफेक्ट है वो अलेक्जेंडर पे पड़ रहा है और अलेक्जेंडर के जो अलग अलग मूड स्विंग्स है उसकी म्यूजिक के अकॉर्डिंग, उसकी सॉन्ग के अकॉर्डिंग वो हमें इस पॉइंट में देखने को मिल रहे हैं। तो हमने जो कल स्टैंडर्ड पढ़ा था फर्स्ट स्टैंडर्ड, उसमें अलेक्जेंडर का कौन सा मूड स्विंग देखने को मिलता है हमें? उसमें मिलता है कि टिमेंथियस गाना गाता है, उस गाने में वो बताता है कि जो वॉर्स है ना वो क्या है, एक तरह से कहीं एक तरह से अगर कहें तो वो कोई काम के लिए है ना। तो वो प्रभाव हमें अलेक्जेंडर में देखने को मिलता है। अलेक्जेंडर भी फील करता है कि जो वॉर है, जो उसने इतने सारे वॉर्स लड़े हैं अब तक, वो किस काम आए, तो एक तरह से वेस्ट ही हो गया क्योंकि जो वॉर्स है वो तो ऐसे ही चलते रहेंगे। अगर लड़ाइयाँ जितनी भी हो या जितने भी हो उसके तो ऐसे ही परिणाम निकलते रहेंगे, ऐसे ही लड़ता रहेगा। तो जो टिमेंथियस है वो उसे ऐसा फील करवाता है कि जो वॉर वो लड़ रहा है उससे अच्छा तो वो केयर करे, लव करे और इंजॉय करे अपने मोमेंट्स को किसके साथ, अपनी बी लवर या अपनी वाइफ लव वाइफ थाइस के साथ जो उसके पास ही बैठे रहते। तो वो थाइस को भूने लग जाता है, देखने लग जाता है बहुत ही प्यार भरी आंखों से या निगाहों से, जो भी हम समझे। तो हमें देखने को मिलता है उसमें कि जो अलेक्जेंडर है उसमें उस पर किस तरह से जो टिमेंथियस है उसके लव सॉन्ग का इफेक्ट हुआ, प्रभाव पड़ा। आज हम देखेंगे कि किस तरह से अलेक्जेंडर पर अब एक तरह से बदले की भावना का असर होता है और वो क्यों होता है, क्योंकि अब जो टिमेंथियस है वो ऐसा सॉन्ग उसके सामने परफॉर्म करेगा जिसमें वो बदले की भावना क्रिएट करेगा अलेक्जेंडर के अंदर। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अपना जो टेक्स्ट है वो आप अपने सामने रख लीजिए। Now strike the golden lyre again, and now do yet and yet, and now do sweet. Break his bands of sleep asunder, and rouse him like a rattling peal of thunder. Hark, hark, the horrid sound has raised up his head as awaked from the dead, and amazed he stares around. Revenge, revenge, Timanthius. अब देखिए यहाँ पे जो टिमेंथियस बार्ड जो है जो गाना गा रहा है उसमें नाउ स्ट्राइक द गोल्डन लायर, अब स्ट्राइक हो रहा है गोल्डन लायर पे फिर से। स्ट्राइक गोल्डन लायर का मतलब क्या है यहाँ पे, जो आते हैं जो सेंट सिसिलिया द्वारा जो इम्प्लीमेंट किया गया है, जो वोकल इंस्ट्रूमेंट उसकी बात की जा रही है, वोकल इंस्ट्रूमेंट को बजाया जा रहा है और जो वहाँ पे जो टीम बैठी है रेस्टिंग ग्रुप बैठा है कौन सा जो गाना बजाना कर रहा है वो और लाउडर गा रहा है। ब्रेक हिज बैंड्स ऑफ स्लीप असेंडर, यानी कि अब उसे उस मूड से बाहर निकाला जा रहा है, जो वो लव में चला गया था, खाई से तरफ देखने लग गया था, बहुत ही ज्यादा भावुक हो गया था, तो उस मूड से अलेक्जेंडर को बाहर निकाला जा रहा है, जो जो उसे गाना बजाना किया जा रहा है। एंड ड्राउज हिम लाइक अ रैटलिंग पील ऑफ थंडर, हार्क हार्क द हॉरिड साउंड, हॉरिड साउंड प्ले किया जा रहा है जिसमें उसको ये बताया जा रहा है कि हैज रेज्ड अप हिज हेड, कि उसे अपना सर एक बार ऊंचा कर लेना चाहिए। एज अ बैट टॉम द डेड एंड अमेज्ड ही स्टेयर्स अराउंड, यानी कि जो युद्ध हुआ था उसमें जो शहीद हुए थे उनको तो ढंग से दफनाया भी नहीं गया, तो उनके लिए उसे अपना सर यानी कि उसे अपनी जो तलवार को उठा लेनी चाहिए। तो रिवेंज रिवेंज टिमेंथियस क्राइज, वो जो टिमेंथियस है वो अपने गाने में बार बार बोलता है कि उसे रिवेंज लेना चाहिए, उसे रिवेंज लेना चाहिए। सी द फ्यूरियस अराइज, सी द स्नैक्स दैट दे नियर रियर, हाउ दे फ्लश इन योर हेयर, एंड द स्पार्कल्स दैट फ्लैश फ्रॉम योर आईज, बिहोल्ड अ गास्टली बैंड ईच टॉर्च इन हिज हैंड, दोज आर ग्रीशियन गोस्ट्स दैट
that in battle was slain and unburdened weary. यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ग्रीक के लोग थे जब वो बैटल में मर गए या शहीद हो गए तो अच्छे से ढंग से उनकी बॉडी को दफनाया भी नहीं गया, तो उनके घोस्ट भी अपीयर हो रहे हैं जगह जगह। यानी कि एक तरह से वो ये बोलना चाह रहा है कि उनका जो अंतिम संस्कार है वो भी अच्छे से नहीं हुआ, क्योंकि मतलब बुरी दशा हुई है जनता की, तो वो एक तरह से वो बताना चाह रहे हैं कि डिमेंशिया को रिवेंज की भावना पैदा करना चाह रहे हैं कि अपनी कंट्री के लोगों के लिए, अपनी कंट्री के सोल्जर्स के लिए कम से कम तुम रिवेंज को लो। और ऐसे अलेक्जेंडर को भड़का रहे हैं एंड अनबरीड रिमेन इन ग्लोरियस ऑन द क्वीन, यानी कि जो इस धरती पे जिन्होंने अपनी ग्लोरी दिखाई, जिन्होंने तुम्हें जीत दिखाई, उनके लिए भी क्या लो रिवेंज लो। गिव द वैंकनेस टू द वैलियंट बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।